Assalamu alaikum dear student, today we discuss types of motion, that is of chapter number 2, kinematics. Kinematics ka topic number 2.1 hai, that is types of motion. Before we discuss type of motion, isse pehle humne previous lecture mein motion ke baare mein detail se we should discuss ke motion humare paas kya hai. So that type of a body, the motion is that type of thing which a body changes its position with respect to its surrounding with passage of time, we call it what? Motion. Ke wo cheez jo apni halat ilkirt mahol ke saath tabdeel kare continuously, usme changes aaye, to usko hum kya kehte hain? Motion kehte hain. Ab fir motion ke hamare paas classification hui hai, isme three types of motion hai. Classify motion, classify hua three types of motion mein. एक हमारे पास है ट्रांसलेटरी मोशन, और फिर दूसरा टाइप हमारे पास रोटेटरी मोशन, और तीसरा हमारे पास क्या है? वाइब्रेटरी मोशन है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो ट्रांसलेटरी मोशन, के व्हाट इज मीन बाय ट्रांसलेटरी मोशन. ट्रांसलेटरी मोशन दैट टाइप ऑफ मोशन इफ अ बॉडी चेंज इट्स पोजिशन हिज होल और ऑल और एवरी पार्टिकल और ऑब्जेक्ट मूव पैरेलल टू ईच अदर. कि हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन वो है जिसमें ऑब्जेक्ट हमारे पास पूरी तरह अपनी पोजीशन चेंज करे. ये नहीं कि हमारे पास एक पार्टिकल एक डायरेक्शन में मोशन करे और दूसरा पार्टिकल दूसरी डायरेक्शन में, नहीं. सारे पार्टिकल जो ऑब्जेक्ट बना है वो सारे पार्टिकल हमारे पास एक जैसे मोशन करेंगे, या पैरेलली सारे पार्टिकल पैरेलल जाएंगे. ये नहीं कि एक पार्टिकल एक डायरेक्शन में मोशन कर रहा है दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में. सो वी कैन नॉट कॉल इट ट्रांसलेटरी मोशन. पैरेलल हर एक पार्टिकल पैरेलल जाएगा, और उसका जो ट्रांसलेटरी मोशन में हमारे पास उसका पाथ जो है वो स्ट्रेट होगा या कर्व होगा हमारे पास. तो इस टाइप ऑफ मोशन को हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर हम एक बॉक्स ले ले, कोई भी ऑब्जेक्ट ले ले, स्टोन ले ले, तो वो मुख्तलिफ हर चीज़ मुख्तलिफ पार्टिकल से मिलकर एक बड़ा ऑब्जेक्ट बनता है. अगर हम एक बॉक्स ले ले, इस बॉक्स में हमारे पास डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, डिफरेंट पार्टिकल्स मिला कर ये बॉक्स बनता है. अगर इस पर हम फोर्स अप्लाई करें तो ये मोशन स्टार्ट करेगा. दे स्टार्ट मोशन, दिस बॉक्स स्टार्ट मोशन. सो इफ़ यू सी आफ्टर सर्टन टाइम, इफ़ यू लुक हेयर दैट ईच पार्टिकल मूव पैरेलल टू ईच अदर, दिस इज़ नॉट लाइक दैट. दिस पार्टिकल मूव फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड दिस मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन. ईच पार्टिकल मूव पैरेलल टू ईच अदर. सो दिस टाइप ऑफ मोशन वी कॉल इट वट? ट्रांसलेटरी मोशन. हमारे पास के हर पार्टिकल जो है हमारे पास एक ही डायरेक्शन में मोशन कर रहा होता है. जिस तरह अगर आप ले मोशन ऑफ हॉर्स ले ले, या मोशन ऑफ बाल ले ले, मोशन ऑफ कार ले ले, फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स ले ले, ऑब्जेक्ट ले ले, फ्लाइंग बर्ड्स ले ले, तो हमारे पास ये नहीं कि परिंदे जिस तरह फ्लाई कर रहे थे एयर में, तो ये कि एक पर एक तरफ एक फ्लिप विंग्स जो है एक डायरेक्शन में फ्लिप कर रहा है, दूसरे डायरेक्शन में नहीं. सारे ये दोनों फ्लिप विंग्स जो है वो एक साथ फ्लिप कर रहा होता है, और वो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहे थे. कभी एक डायरेक्शन में अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहे थे, कभी दूसरे में. तो या स्ट्रेट मोशन करेगा या कर्व मोशन करेगा. या फॉर एग्जांपल, अगर आप कार ले ले, तो कार हमारे पास पूरी कार की जो बॉडी है वो हमारे पास में, अगर आप देख ले जिस तरह आप जो ड्राइवर है कार को ड्राइव कर रहा है, तो वो अगर हम उसकी व्हील जो है कार की व्हील, ये नहीं है कि कार की व्हील एक डायरेक्शन में जा रही है, उसकी जो अपर पार्टी है वो दूसरी डायरेक्शन में जा रही है. जिस डायरेक्शन में व्हील आप रोटेट कर रहे हो, इसी डायरेक्शन में उसकी बॉडी जो है स्ट्रक्चर है, ऊपर स्ट्रक्चर है, वो भी मोशन कर रहा होता है. तो इस टाइप ऑफ मोशन को हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं. फिर ट्रांसलेटरी मोशन हमारे पास जो है थ्री सब टाइप्स में डिवाइड हुआ है. एक है हमारे पास रेक्टिलिनियर मोशन, एक है कर्वलिनियर मोशन, एक है रेंडम मोशन. तो व्हाट इज़ मीन बाय रेक्टिलिनियर मोशन? फ्रॉम देयर नेम लीनियर, लीनियर मीन स्ट्रेट लाइन मोशन. दैट टाइप ऑफ मोशन रेक्टिलिनियर इज दैट टाइप ऑफ मोशन इन विच बॉडी मूव इन स्ट्रेट लाइन. दैट का टाइप ऑफ मोशन कार रेक्टिलिनियर मोशन. फॉर द अबव एग्जांपल, आई कंसिडर वी कंसिडर दैट इफ यू अप्लाई फोर्स ऑन दिस बॉक्स, देन द बॉक्स स्टार्ट्स मोशन. इफ यू सी द मोशन ऑफ द बॉक्स, दे आर इन स्ट्रेट लाइन. सो दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल वट? रेक्टिलिनियर मोशन. We call it for rectilinear motion. If we consider falling object, if a certain object is falling from certain height towards the ground, so the motion of that object towards the ground is in straight line. So this type of motion is called what? Rectilinear motion. Now the second type is curvilinear motion. Curvilinear motion is that type of motion in which that type of translatory motion in which object move in curved path or circular path. We call it what? Curvilinear motion. If you consider an object. If we consider stone and we tie the stone with string,
Now, if we apply the force on this string, then this stone starts motion in circular path. So each particle of stone is moving in same as whole parallel to each other, but the curve, the path is in circular path. So this type of motion is called what? Curvilinear motion. This type of motion ko hum kya kehte hain? Curvilinear motion kehte hain. Ya ab agar क्रिकेट देख ले, अगर कोई स्टूडेंट्स क्रिकेट देख रहे होते, क्रिकेट देखने का शौकीन होता है, जब आप क्रिकेट देख रहे होते, अगर एक बैट्समैन बॉल को हिट करता है बैट से, जो तो आप बॉल को देख रहे होगे कि वो सीम कर रहा होता है, स्विंग कर रहा होता है लिटिल बिट हमारे पास, या एक डायरेक्शन में कर्व पाथ में मोशन कर रहा होता है। इस टाइप ऑफ मोशन को हम क्या कहते हैं? कर्वलिनियर मोशन कहते हैं। या आप फुटबॉल देख ले, फुटबॉल में हमारे पास, अगर आप फुटबॉल पे फोर्स अप्लाई करके किक कर रहे होते हैं, तो फुटबॉल हमारे पास क्या है, कभी एक डायरेक्शन में रोटेट कर रहा होता है, कभी दूसरी डायरेक्शन में स्विंग कर रहा होता है कर्व पाथ में। तो इस स्विंग और सीम्स को हम क्या कहते हैं, जो स्विंग प्रोड्यूस हो रहा होता है, इस टाइप ऑफ मोशन को हम ट्रांसलेटरी मोशन के टाइप को हम कर्वलिनियर मोशन कहते हैं हमारे पास। देन द थर्ड वन इज़ द रेंडम मोशन। रेंडम मोशन इज़ दैट टाइप ऑफ मोशन इन ऑब्जेक्ट मूव इररेगुलर मोशन, देर इज़ नो प्रॉपर रेगुलरिटी। हमारे पास इस टाइप ऑफ मोशन को हम क्या कहते हैं? रेंडम मोशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप बटरफ्लाई को देख ले, बटरफ्लाई हमारे पास कभी एक पोजीशन डायरेक्शन में मोशन कर रही होती, कभी दूसरी डायरेक्शन में, कभी तीसरी डायरेक्शन में, तो दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड व्हाट? रेंडम मोशन। इफ़ यू कंसिडर गैस मालिक्यूल्स इन अ सिलेंडर, तो गैस मालिक्यूल्स हमारे पास जो सिलेंडर में होते हैं, कभी एक डायरेक्शन में मोशन करी, कभी दूसरी डायरेक्शन में, हर एक पार्टिकल अपने अपने डायरेक्शन में, मुख्तलिफ डायरेक्शन में मोशन कर रहा होता है, इस टाइप ऑफ मोशन को हम क्या कहते हैं? रेंडम मोशन कहते हैं। या फॉर एग्ज़ाम्पल, आप स्कूल में देख ले, जब ब्रेक होता है तो मुख्तलिफ स्टूडेंट्स प्लेग्राउंड में एक डायरेक्शन में दौड़ रहे होते, कोई दूसरा डायरेक्शन में दौड़ रहा होता है, तो इस टाइप ऑफ मोशन को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स के, इसको हम रेंडम मोशन कहते हैं हमारे पास। तो ये तो हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन हो गए, ट्रांसलेटरी की सब टाइप्स हो गए। अब हम आते हैं रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन क्या है? दैट टाइप ऑफ मोशन इन विच ऑब्जेक्ट मूव और बॉडी मूव अराउंड फिक्स पॉइंट और एक्सेस, के वो टाइप ऑफ मोशन जिसमें हमारे पास एक बॉडी खास पॉइंट या एक्सेस के इर्द गिर्द मोशन कर रहा होता है, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेटरी सॉरी रोटेटरी मोशन कहते हैं। आसान एग्जाम्पल इसकी हमारे पास, ईजिएस्ट एग्जाम्पल, द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। जो हमारी अर्थ की जो मोशन, या डिफरेंट प्लैनेट्स की जो मोशन है अर्थ के इर्द गिर्द, इस टाइप ऑफ मोशन, क्योंकि अर्थ इज़ सन इज़ द फिक्स पॉइंट एक्सिस है, और इस पॉइंट से इर्द गिर्द मुख्तलिफ प्लैनेट्स मोशन कर रही होती, इस टाइप मोशन को हम क्या कहते हैं? रोटेटरी मोशन कहते हैं। या हैंड्स ऑफ क्लॉक देख ले, वो भी हमारे पास खास फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द मोशन कर रहा होता है। या रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, इस टाइप ऑफ मोशन को भी हम रोटेटरी मोशन कहते हैं। देन द नेक्स्ट वन इज़ द वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन इज दैट टाइप ऑफ मोशन इन विच अ बॉडी रिपीट इट्स मोशन, रिपीटेड मोशन, बैक एंड फोर्थ मोशन, इज कॉल्ड अप एंड डाउन मोशन, लेफ्ट एंड राइट मोशन, वी कॉल इट व्हाट? वाइब्रेटरी मोशन। अबाउट इट्स मेन पोजीशन, एक ही पोजीशन से वो आगे पीछे हो रहा है, उसी पोजीशन से वो जा रहा है, जिस तरह एक रास्ते पर आप जा रहे हो, फिर आ रहे हो, फिर जा रहे हो, फिर आ रहे हो, सो दिस ये मोशन आप रिपीट कर रहे हो, इस टाइप ऑफ मोशन को हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पेंडुलम ले ले, पेंडुलम ले ले, ये इसका मेन पोजीशन है, अगर इस पर मैं फोर्स अप्लाई करूँ, तो फोर्स, इस फोर्स की वजह से ये इस पोजीशन से जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन पे, इस एक्सट्रीम पोजीशन के बाद जो हमने मैंने फोर्स अप्लाई किया है, वो मेरा एक्सटर्नल फोर्स इसमें स्टोर होगा, इस बॉब में एज अ रिस्टोरिंग फोर्स। जब मैं अपना एक्सटर्नल फोर्स रिमूव करूँगा, तो ये जो बॉब है, ये इस एक्सट्रीम पोजीशन पे स्टॉप नहीं होगा, आएगा मीन पोजीशन पे, मीन पोजीशन पे भी स्टॉप नहीं होगा बिकॉज ऑफ इनर्शिया, और दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, और फिर उस एक्सट्रीम पोजीशन से फिर मीन पोजीशन पे आएगा। इस तरह बैक एंड फोर्थ मोशन, रिपीटेड मोशन को हम क्या कहते हैं? वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। या आपने देखा होता है सितार या वायलिन के जो स्ट्रिंग्स होते हैं, इसको हम डिस्टर्ब करते हैं फोर्स की मदद से, तो स्ट्रिंग अप एंड डाउन मोशन स्टार्ट कर देते हैं, कभी अप डाउन मोशन कर रहा है, फिर दूसरी डाउन मोशन कर रहा है, इस टाइप ऑफ मोशन को हमारे पास क्या है? वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। ये तो हमारे पास टाइप्स ऑफ मोशन हो गए। मोशन के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया, और इसके टाइप्स डिटेल में हमने डिस्कस कर दिए। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। थैंक यू।